अच्छा जीने के लिए हमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता रहती है। घर से शिक्षा शुरू होती है, जब बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, कुछ चीज़ नहीं मालूम है, आग कैसी है, ठंडाई कैसी है, हाथ लगाता है हाथ जलता है, हाथ लगाता है हाथ बर्फ पे हाथ ठंडा होता है, वो स्वयं शिक्षा लेता है। फिर माताओं बहनों की करके बड़े बुजुर्गों की शिक्षा शुरू होती है, जब वो एक साल का होता है, डेढ़ साल का होता है, कुछ चीज़ें खुद समझता है, कुछ चीज़ें जो है आप लोग समझाते हैं। धीरे 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 आयु बढ़ती है और शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। हमें कौन सी शिक्षा जरूरत है ये खुद सीखने भी लगता है, समझने लगता है, दूसरे समझाने लगते हैं, हमारे गुरुजनों की तभी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन सब शिक्षाओं में पुस्तकों का अलग महत्व है, इसीलिए बाबा साहब ने जो शिक्षित रहने का फॉर्मूला सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि नंबर एक पर, क्योंकि शिक्षित अगर होंगे तभी तो अपना बुरा भला सोच सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए शिक्षा लीजिए और शिक्षा का अनुरूप फिर अपने आप को डालिए और अपने साथियों के जीवन को सफल बनाइए। यह है शिक्षा का महत्व। आज इस गांव में जो शुरुआत की गई है, यहाँ के गांव वासियों का और केपी चौधरी जी का जो मार्गदर्शन रहा है, सहयोग रहा है, मैं समझता हूँ कि आप सबको एक नई उम्मीद भी जगी होगी। आप जब शिक्षित होंगे, शिक्षा का मतलब ये नहीं केवल नौकरी की पाना, हम बहुत गलत असर निकाल लेते हैं कि शिक्षा करने का मतलब हाई स्कूल इंटर बीए एमए एलएलबी जो करने के बाद में और नौकरी पा लिया। नौकरी एक आवश्यकता है लेकिन सबकी आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती। अन्य सारे फील्ड हैं, व्यवसाय हैं, खेती है, वहाँ पे भी तो शिक्षा की ज़रूरत है। जो आदमी अच्छी तो शिक्षा ग्रहण करेगा वो अच्छे ढंग से खेती करेगा, पैदावार को दुगनी चौगनी करेगा। रहन सहन के लिए ज़रूरत है, आपको शिक्षित रहेंगे। अभी पूर्व वक्ता मास्टर जी बता रहे थे अपना नाम सही रखिए, बात सही है। हम बहुत ही आडम्बरों में, धर्म के चक्कर में फंस के, धार्मिक अनुष्ठानों में फंस के, जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक भी हम धार्मिक अनुष्ठान अपनाते रहते हैं, जिसका नतीजा है हम पंडित के पास जाते हैं और उसे नाम पूछते हैं, वो जो है हमें अपमानित करते हुए हमें अपमानजनक एक नाम दे देता है। तो हम अपमानजनक नाम क्यों लें? पढ़ने लिखने के हमें, अगर हमारा घर परिवार पढ़ा लिखा है, बिना पंडित को पूछे एक अच्छा सा नाम देगा? योग्यता विद्वता जिससे झलके ऐसा नाम देगा, आपके नाम से जो है लगेगी हाँ कोई भारी भरकम नाम वाला आदमी आ रहा है। ये फिर अपना व्यवसाय चुने, अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा घर कैसे होना चाहिए, किधर को रोशनी आनी चाहिए, किधर हवा आनी चाहिए, छोटा सा मकान है लेकिन उसको अगर हम दिमाग लगा के बनाएंगे तो हम ज़्यादा बढ़िया रह बनाएंगे, उसमें रहन सहन अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऐसे ही और अच्छी जीवन शैली हम अपना सकते हैं। इसीलिए माताओं बहनों आपके उत्तरदायित्व और भी अच्छा है, मैं हमेशा महिलाओं की शिक्षा पर बड़ा जोर देता हूँ, इसलिए क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को संभालती है। हमारे समाज की ये दुर्भावना है और ये तो बहुत बुरी एक परंपरा चली आई कि हम महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाते,
महिलाओं के जन्म होने में जो है हमें वो खुशी नहीं होती जो एक बालक के जन्म होने में होती है, बालिका के जन्म होने में वो खुशी नहीं होती। तो ये रूढ़िवाद का ये जो है मन मानसिक विकार इन्हें दूर करना होगा। उस दूर करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है। ये जो पुस्तकालय बना है केवल इसको यूं ही मत छोड़ दीजिएगा। मुझे बच्चों से खास तौर से बहुत अपील है और बच्चे भी जो हैं नहीं बड़े लोग भी उसमें जाएं। शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही विनय है, अनुनय है और यही जो है अपील भी है कि आप सब इसका भरपूर लाभ उठाएं। यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं वो ये देख लें कि किस तरीके की पुस्तकों की और आवश्यकता है, वो उन पुस्तकों के बारे में एक विवरण तैयार कर लें। जो भी यहाँ की कमेटी हो या हम लोगों को बताएं, उस तरीके की पुस्तकें आपको बाहर से उपलब्ध करा दी जाएंगी। कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में दानी लोगों की कभी कमी नहीं होती। यही देखिए कितने लोग चाहे 100 रुपये का दान कर रहे हैं, 50 रुपये का दान कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि सबके मन में ये ज़रूर अभिलाषा रहती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करें। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोग करते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत। वो सब बेवकूफ़ है जो मंदिर मस्जिद भी बनाने के लिए पैसा देते हैं। मुझे तो यही लगता है कि वेस्ट है, सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। धर्म ने इस देश को बर्बाद कर दिया इसको, और उसमें आप सब शिक्षित होके उसमें उस बर्बादी में शामिल मत होइए। इस शिक्षा से अपना जीवन सुधारिए और अपने समाज को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।